डंफर में फंसी स्कूटी मासूम को 2 किलोमीटर तक घसीटा। सड़क पर चिंगारियां उठती रही, लोग चिल्लाते रहे, नहीं रुका डंफर, दादा पोते की दोनों की मौत। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के महोबा में एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में दादा पोते की मौत हो गई। दरअसल शनिवार को कानपुर सागर हाईवे पर एक स्कूटी तेज रफ्तार डंफर की चपेट में आ गई। इस दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई मौके पर ही, लेकिन 6 साल का पोता डंपर के अगले हिस्से में स्कूटी समेत फंस गया। डंपर का ड्राइवर बच्चे और स्कूटी को लगभग 2 किलोमीटर तक घसीटता ले गया। घटना के दौरान आसपास के जो मौजूद लोग थे, उन्होंने बाइक से डंपर का पीछा किया और रोकने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन ड्राइवर नहीं रुका। इस दौरान डंपर की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सड़क से चिंगारी निकल रही थी। घटना का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि हमीरपुर चुंगी के पास रहने वाले रिटायर्ड टीचर उदित नारायण, जो कि 67 साल के थे, अपने 6 साल के पोते सात्विक पुत्र नीरज को स्कूटी से घुमाने के लिए निकले थे। तभी महोबा से कबरई की ओर जा रहे तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में उदित नारायण की मौत हो गई, जबकि स्कूटी सहित पोता सात्विक डंपर के नीचे फंस गया। तकरीबन 2 किलोमीटर तक घसीटता चला गया। जब तक लोगों ने ट्रक का पीछा किया, रुकवाया, तब तक सात्विक के शव के चिथड़े चिथड़े उड़ चुके थे। जी हाँ दोस्तों, हादसे के समय लोगों ने ट्रक को रोकने की कोशिश तो बहुत की, मगर वो इसे अनसुना करता रहा। इस दौरान लोगों ने ट्रक पर पत्थर मारे, जिसके बाद ड्राइवर ने ट्रक रोका और उतरकर खेतों में भागने लगा। लोगों ने उसे करीब 500 मीटर तक दौड़ाकर उसे पकड़ा और जमकर पिटाई भी कर दी। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने हादसे के बाद ट्रक की वजह से गाड़ी नहीं रोकी, उसे पब्लिक के हाथों पिटाई का डर सता रहा था। उसने बताया कि चिल्लाने और पत्थर मारने पर जब ट्रक रोका तो तब उसे स्कूटी के साथ मासूम के फंसे होने की जानकारी हुई। हादसे की सूचना पाकर एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार, सीओ सिटी राम प्रवेश राय सहित शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चालक की पहचान राम बहादुर, थाना ग्राम संडोली, थाना साढ़ जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई है। सात्विक शहर के निजी स्कूल में केजी का छात्र था। सात्विक की माँ रुचि सरकारी अध्यापक है, जबकि पिता नीरज ग्लोबल हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट है। सात्विक की मौत के बाद माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। रुचि ने बताया कि सात्विक को उसके बाबा बहुत प्यार करते थे। वह उसे अक्सर स्कूल से छुट्टी के बाद घुमाने ले जाते थे। शनिवार को भी सात्विक बाबा के साथ घूमने निकला था, लेकिन यह किसने सोचा था कि ऐसा दर्दनाक हादसा हो जाएगा और इस दर्दनाक हादसे में दादा और पोते दोनों की मौत हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।